तो कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4th आज हम करने वाले हैं। इसके पहले भी जो तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd, उनको हम पिछले ही लाइव सेशन में आपको करवा चुके हैं। तो अगर आपने वो तीन क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लाइव सेशन का लिंक हमने दे दिया है, तो आप ज़रूर से उन तीन क्वेश्चंस को भी सीख सकते हैं। तो आज हम पहुंच गए हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 का 4th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया है कि यदि 15 cot A = 8 हो, यानी 15 cot A की वैल्यू दे रखी है 8, तो हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ओके, यानी 15 cot A की वैल्यू दे रखी है 8, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल, और हम जाएंगे एग्ज़ाम में और लिखेंगे सबसे पहले दिया है, यानी जो क्वेश्चन में हमें दिया है वो तो हम लिखेंगे ही ना, उसके हमें 1 से 2 नंबर मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे कि हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है। तो साइन ए और सेक ए तो है ही नहीं, क्योंकि इनके मान तो आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। दिया क्या है, एक ही चीज़ दे रखी है, एक ही स्टेटमेंट है आपके पास कि 15 cot A = 8। तो यहाँ लिख देंगे कि गिवन में 15 cot A = 8। अब आपको यहाँ से पता है कि cot A और 15 इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, तो गुणा का चिन्ह होगा। हमें क्या करना है, cot A की सिंगल वैल्यू निकालनी है, तो 15 को यहाँ से हटाना है। तो इन दोनों के बीच में हमने गुणा का चिन्ह लिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था तो गुणा का होता है। तो 15 जो है ना वो गुणा में है cot A के, तो 8 के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो cot A को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, cot A बराबर 8। हम किसको भूल गए, 15 को भूल गए, जो कि यहाँ पर cot के पास लिखा था, तो ये गुणा में था ना, तो ये भाग में चला गया 8 के, ठीक है 15। ओके, तो यहाँ पर cot A की वैल्यू आ गई 8/15। अब हमने जो है सीख रखा है पहले से ही कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनके फॉर्मूला हमने देखे कैसे सीखे थे। हमने, अगर आप हिंदी मीडियम वाले तो आपको लाइव सेशन में सिखाया था, लाल बटे कक्का, ठीक है, जहाँ पर हमने बटा लगा दिया था इसमें, और हमने कहा था साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, हमने आपको ये फॉर्मूले याद करवाए थे, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला नीचे की तरफ होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, एल बाय के मतलब कि लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, इसलिए यहाँ पर लिखा है ए बाय के, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और देखिए अब आएगा कॉट थीटा, तो आपको कॉट में ऊपर की तरफ जाना है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आपको ये फॉर्मूले हमने याद करवाए थे। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लाइव सेशन का लिंक दिया है, जिसमें आपको हमने सारे फॉर्मूले, सारे आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद करवाए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आएंगे। तो हमें क्या है कि cot थीटा का यहाँ से फॉर्मूला चाहिए, तो cot थीटा का हमने निकाला आधार बटे लंब। ओके, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो वहाँ पर भी हमने आपको फॉर्मूले याद करवाया उस लाइव सेशन में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, यहाँ पर हमने बटे लगा दिए थे, और फिर से वही साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। हमने उस लाइव सेशन में ये सब पूरा कवर किया था, सारे फॉर्मूले के याद करने की ट्रिक बनाई थी, और यहाँ लास्ट में आता है कोसेक। तो यहाँ से हमने करा था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ऐसे ऐसे आप फॉर्मूले बना सकते हो। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन में पी, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसे हमने बताया था। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, cot A का हमें फॉर्मूला पता है, तो अभी हमने कुछ दिनों पहले ही याद किया था कि cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब होता है। ओके, आधार बटे लंब cot थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर cot थीटा की जगह पे A दिया है, तो यहाँ पर A लिखेंगे ना अपन, तो cot A का फॉर्मूला आधार बटे लंब है। ओके, तो यहाँ पर cot A है ना, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला रख देते हैं, यानी इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र ये होता है आधार बटे में लंब। ओके, और बराबर वैसा का वैसा ही, और 8/15 भी वैसा का वैसा ही। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ आधार क्या हो गया आपके लिए, यहाँ पर आधार आपका सामने वाला होता है, यानी आधार आपका 8 हो गया, लेकिन उसको के लेंगे, उसके साथ में के लेंगे। देखो आधार हो गया आपका 8 के, तो यहाँ पर आधार हो गया 8 के, और लंब हो गया 15 के, ठीक है। तो यहाँ पर लंब लिखेंगे कि लंब जो है ना वो 15 के हो गया है। अब आप बोलोगे सर ये के क्या है, तो के जो है ना वो धन संख्या है, यानी धनात्मक संख्या है। ओके, ये आपकी बुक में ऐसा ही दिया गया है, यानी आपके सिलेबस में कॉमन है इन दोनों में। तो इसके बाद हमारे पास आधार दिया है, लंब भी दिया है, लेकिन कर्ण नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है,
एक हम समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, ओके। अब इसमें दोनों की वैल्यू रख दो। आधार कितना दिया है, 8K लिख दिया, ओके। लंब कितना दिया है, 15K, तो यहाँ पर ये 15K हो गया है। हमारे पास कर्ण नहीं है तो कर्ण को हम कर्ण ही लिख देंगे कि कर्ण, ओके। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है, पाइथागोरस थ्योरम यानी PGT, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है ना, कर्ण का स्क्वायर, वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। हमें ये पता है, ये स्टेटमेंट हमने 9th और 8th में ही सीख रखा है, आधार के स्क्वायर के। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमें पता है। अब यहाँ वैल्यूज रख दो इनकी, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर तो है ही नहीं, तो कर्ण का स्क्वायर, ओके, वैसा का वैसा ही। लंब की जगह दिया है 15K, ओके, तो 15K का होल स्क्वायर, ओके, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार की जगह 8K दिया है, 8K का होल स्क्वायर। अब हमें इन स्क्वायरों को सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। यहाँ कर्ण लिखना था, ओके, र की मात्रा लगानी थी, ओके। कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, तो बताइए 225, अगर आप 10th क्लास में, तो आपको 20 तक याद होने चाहिए स्क्वायर कि 19 का स्क्वायर होता है 361, 18 का स्क्वायर होता है 324, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, तो आपको ऐसे 20 तक याद होना चाहिए। आपकी 10th क्लास में बहुत सारे स्टेटमेंट में ये चीज़ें काम में आएगी, तो आपको स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर याद होने चाहिए 20 तक, तो ओके। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर हमें पता है कि 15 का 15 में गुणा करेंगे 225, के का स्क्वायर तो के स्क्वायर ही रहेगा वो, तो प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, के का स्क्वायर फिर से वही के स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जुड़ जाएंगे ना, ये भी के स्क्वायर वाला है और ये भी के स्क्वायर वाला है, मतलब सेम बेस है, दोनों के बेस हैं के स्क्वायर, तो जुड़ जाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, ओके, बराबर, अब 225 और 64 को जोड़ लेते हैं, 5 और 4 हो गए आपके 9, ठीक है, 6 और 2 ये हो गए आपके 8, और 2 का 2 ही। के स्क्वायर तो दोनों में सेम था, तो के स्क्वायर ही रहेगा, तो 225 के स्क्वायर और 64 के स्क्वायर जुड़ के हो गए 290 के स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, ये जो स्क्वायर है इसको हटाना पड़ेगा, हमें क्या है कि कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू होगी ना, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो उधर अंडर रूट लग जाएगा यानी कि जेल। तो अब हमें यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कर्ण बराबर 289 के स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये स्क्वायर कहाँ गया, तो ये स्क्वायर यहाँ से हट के इधर अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। अब आपको इसका जो है स्क्वायर रूट का मान पता होना चाहिए कि 290 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 289 होता है 17, ये 17 का 17 में गुणा करोगे ना तब ये आएगा, 17 का स्क्वायर होता है ये, तो ये बाहर निकल जाएगा 17 बन के। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, ये 289 तो 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 बन के बाहर निकल गया। के स्क्वायर, अब आपको पता है कि के स्क्वायर यानी के इंटू के है, तो डबल बार है, तो ये स्क्वायर जो है ना सिंगल के बन के बाहर हो जाएगा, तो 17K आ गई कर्ण की वैल्यू, यानी यहाँ पर हम कर्ण लिख सकते हैं 17K, ओके। अब तो हमारे लिए बड़ा इजी सा काम हो गया है, जब हमारे पास कर्ण है, ये आधार है, ओके, यहाँ पर ये जो खड़ी भुजा है ये अपने लिए लंब है, तो तीनों भुजाएं आपके पास आ गई है समकोण त्रिभुज की। अब क्या है, आपको साइन ए और सेके का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको साइन ए और सेके का फॉर्मूला याद है ना, वो आगे कुछ भी कर सकता है। अगर आपको साइन ए सेके की जगह और कुछ भी मान दिए होते, जैसे कॉस ए टेन ए, ठीक है, कौसे के हो गया, तो भी आपको फॉर्मूला याद है तो आप निकाल लोगे। तो देखो ना, साइन ए का सूत्र क्या होता है आपको पता है, हमने याद करवाया था आपको लाइव सेशन में, वो लाइव सेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फॉर्मूला याद करने के लिए उस सेशन को ज़रूर देखें, तभी आपको जो है आगे समझ में आएगा, ओके। तो साइन ए, ओके, साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो हम क्या करेंगे, साइन ए तो साइन ए ही है, ओके। लंब और कर्ण की वैल्यू देखो है क्या आपके पास, हाँ ना, है ना, कर्ण लंब और आधार तीनों की वैल्यू है, तो यहाँ पर जिस जिस वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है वो यहाँ पर रख देते हैं। तो लंब बटे में कर्ण रखना है, तो लंब क्या है आपके पास 15K, ओके, 15K बटे में कर्ण क्या है आपके पास, कर्ण है आपका 17K, 17K रख दिया, K से K कैंसिल हो गया, तो 15/17 आया, साइन ए का मान आ गया आपका 15/17, ओके। अब आपको निकालना था मान सेक ए का, तो सेक ए का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अब सेके का फॉर्मूला नहीं आते तो देखो, मैंने आपको एक तरीका बताया था ना, क्या था कि लाल बटे कक्का, LALKKA, लाल बटे कक्का, आपने यहाँ सब में बटा लगा दिया था, तो ये पहला होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा साइन का फॉर्मूला होता है नीचे की तरफ लंब बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला होता है वो भी नीचे की तरफ आधार बटे कर्ण,
टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। फिर अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा का भी मिल गया देखो कर्ण बटे आधार, अच्छा तो कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ सीखने को मिली इस ट्रिक से कि सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, ओके। यहाँ से हम ये भी सीख गए। अब हम कर्ण और आधार की वैल्यू इस राइट एंगल में से देख के लिख देंगे, सेक ए वैसा का वैसा ही, कर्ण बटे आधार, कर्ण आपके पास 17 के है और आधार है 8 के, तो 17 के बटे आधार में क्या है 8 के, तो के से के फिर से कैंसिल हो गया और सेक ए का मान आ गया, बधाई हो 17/8। तो आपके ये आंसर आ गए दोनों के दोनों, साइन ए का मान है 15/17 और सेक ए का मान है 17/8। तो दोस्तों ये आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हो चुका है। तो जिसको भी जो है स्क्रीनशॉट लेना हो तो ज़रूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हेमंत पाटिल के नाम से हमारा अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।